बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आई एम मैम लुबना। टुडेज वी स्टार्ट द चैप्टर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड माय टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ टू एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, जिसमें बहुत से टर्म्स भी गिवन है, ठीक है ना। हमें इसमें कहा यह जा रहा है कि ये दो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इन दोनों के दरमियान में प्लस साइन है, ठीक है। तो हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को क्या प्लस करना है, ऐड करना है। क्लियर है स्टूडेंट? सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये इन एक्सप्रेशंस को रिमूव, इन एक्सप्रेशन को फ्री करेंगे ब्रैकेट से, ठीक है। तो 5x² प्लस 8x - 3 एज इट इज कॉपी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब नेक्स्ट हमारे पास, हमेशा नेक्स्ट जब हम ब्रैकेट रिमूव करने लगेंगे तो हम पहले देखेंगे कि बाहर साइन कौन सा है या नंबर कौन सा है, ठीक है। तो बाहर साइन हमारे पास वो प्लस है, ठीक है। तो प्लस का साइन का मतलब ये कि हमारे पास प्लस वन है, ठीक है। तो वन प्लस वन होने की वजह से इस एक्सप्रेशन पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये 2x² - 7x + 13x ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका ब्रैकेट रिमूव होगा, बिकॉज इसके बाहर प्लस साइन था। हाँ, अगर माइनस साइन होता तो ज़रूर इसके ऊपर डिफरेंस होता कि हमारे पास अंदर मौजूद जितने भी नंबर्स के साथ साइन थे वो सारे चेंज हो जाते, ठीक है जी। तो हम अभी क्या करेंगे, एज इट इज़ कॉपी कर देंगे 2x² - 7x + 13, हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नाउ स्टूडेंट, अब हमने करना क्या होता है कि लाइक टर्म जो होती है ना उन्हें हम देखेंगे। 5x², इसका लाइक टर्म कौन सा है, 2x², जिसके वेरिएबल सेम है वो लाइक टर्म्स होते हैं, ओके। अब 8x के साथ हमारे पास -7x है, प्लस 8x -7x प्लस 13x, और ये -3 जो हमारे पास एक रह गया वो हमारे बेचारा अकेला है। 5 में प्लस करने को कहा जा रहा है 2 को, तो 5 + 2x² हम पहले लाइक टर्म्स एक जगह कर देते हैं। 5x² + 2x² + 8x - 7x + 13, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, और -3 एज इट इज कॉपी करेंगे, इसका कोई पेयर नहीं है। अब 5 + 2 तो इज इक्वल टू 7 होता है, ठीक है ना। तो 7 और x² हमने एक दफ़ा लिख दिया, क्लियर है। नेक्स्ट हमने देखा है कि 8x - 7, तो 8x - 7 की मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर हम इसको इजी वे में मैं समझाना चाहूँ तो आपको एक दफ़ा समझा देते हैं कि 8x का मतलब ये है कि ये 8 टाइम x है, x + x + x + x 8 टाइम x हमने लिख दिया। अब उसमें से 7x माइनस करना, तो हमने क्या किया, कट करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 1। हमने क्या 1x में प्लस 13x, यानी 1 में 3 को 13 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 14। हमने क्या प्लस 14x - 3 हमारे पास एज इट इज कॉपी होगा, उसका कोई पेयर नहीं है, क्लियर है। अब ये पता चलती है कि हमें जो इतनी बड़ी दो एक्सप्रेशंस दी थी, हमने उसको सॉल्व करके उसमें जो कैंसिल हो सकते थे कैंसिल करके, जो ऐड हो सकते थे ऐड करके, हमने क्या किया, एक छोटी सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? ये स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर टू एक्सप्रेशन गिवन है और दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन है, ठीक है क्लास। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि 16x + 14 को एज इट इज कॉपी करेंगे, ठीक है। ये इसके पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन में के बाहर हमारे पास माइनस साइन है, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ अगर हम 1 को एज्यूम करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 तो हमारे पास किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज नंबर दे देता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास माइनस साइन मैटर करता है, किसी भी एक्सप्रेशन के बाहर, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ जो साइन होंगे वो हमारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास -3x² हो जाएगा। अब प्लस एक्स है तो हमारे पास -x हो जाएगा, ठीक है। और -9 है तो हमारे पास +9 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने करने क्या है, अब हम इसके अंदर लाइक टर्म्स देखेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास 3x² के साथ कोई पेयर नहीं है तो हम एज इट इज 3x² उतारेंगे, लेकिन हमारे पास नंबर के साथ साइन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ नंबर 3x² नहीं आएगा, -3x² आएगा। इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो -3x² हमने कॉपी किया, इसके साथ कोई इसका पेयर नहीं था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 16x के साथ पेयर बनता है हमारा -x का,
ठीक है, तो 16x का मतलब 16x में से माइनस एक्स करने को कहा जा रहा है, तो मतलब ये कि 16x माइनस वन, तो क्या है हमारे पास 15x। साइन हमारे पास बड़े नंबर की होती है, ठीक है ना, तो हमारे बिगर नंबर की साइन हमारे प्लस है, तो प्लस 15x, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास 14 के साथ पेयर बनता है प्लस 9 का, ठीक है, तो 14 प्लस 9 इज इक्वल टू 23, क्लियर है। तो हमारे पास प्लस साइन के साथ 23 कॉपी हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस 23। यस स्टूडेंट, जो अब हमें क्वेश्चन दिया है इसमें यहाँ पर हमें माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1 में से हमें एक्सप्रेशन 6x² प्लस 3x माइनस 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो लेट्स राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म, हम ये करेंगे 6x² पहले लिखेंगे, फॉर्म के बाद जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है वो पहले लिखेंगे 6x² प्लस 3x माइनस 9 एज इट इज लिख गया, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस करना है, ठीक है, तो माइनस का साइन लगाकर हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दी हुई थी उसको हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे, माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसको फर्दर सॉल्व करने लगेंगे तो 6x² प्लस 3x माइनस 9 हमारे पास एज इट इज कॉपी होगा, क्योंकि इससे पहले तो कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई हो रहा, जो हमारे पास नंबर हो रहा हो मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो हमारे पास 6x² प्लस 3x माइनस 9 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, 6x² प्लस 3x माइनस 9 एज इट इज कॉपी किया, ठीक है ना। अब हमारे पास माइनस साइन इस ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन की वजह से हमारे पास जितने भी अंदर नंबर्स थे उन सब को हम क्या करेंगे, उसे कॉपी तो एज इट इज करेंगे लेकिन उसके साइन सारे हमारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस टू था तो हमारे पास प्लस टू हो गया, माइनस प्लस फोर है तो माइनस फोर हो गया, माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, क्लियर होती है यहाँ पर बात, ठीक है। अब स्टूडेंट अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स एक जगह करना है, तो प्लस 6x² और प्लस 2x², ये हमारे पास लाइक टर्म है, 3x और माइनस 4x ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, और माइनस 9 एंड प्लस 1 ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो हमारे पास आता है 8x², ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लस 3x और माइनस 4x, ठीक है, तो हमें कहा जा रहा है कि 3 में से 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास बड़े नंबर की साइन लगेगी, ठीक है, तो माइनस साइन के साथ हमारे पास x आएगा, क्योंकि 4 में से 3 माइनस किया तो 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 9 और प्लस 1, तो हमारे पास माइनस 8 आएगा, बड़े नंबर की साइन लगेगी। यस नाउ स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन हमारे पास 3 एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इन 3 एक्सप्रेशन में हमें ये नोट करना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन के बाहर ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, ठीक है। अगर हमारे पास माइनस साइन है तो हमारे हर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज कॉपी होगी तो इज इक्वल टू 3x प्लस 3x माइनस 6 ये एज इट इज कॉपी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि माइनस साइन हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन के बाहर है, मीन्स कि हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन के बाहर अगर माइनस साइन मौजूद है तो एक्सप्रेशन में मौजूद जितने भी नंबर्स हैं उनके सारे साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास माइनस 2x² था तो वो हमारे पास प्लस 2x² में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स है तो हमारे पास माइनस एक्स में कन्वर्ट होगा, और माइनस 2 है तो प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे अब हम पहुँचेंगे, तो उसमें क्या है 3x माइनस 4 और लेकिन उसके ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन मौजूद है, तो माइनस साइन की वजह से इसके अंदर मौजूद जितने भी नंबर्स हैं उनके साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 3x और माइनस 4 की जगह हम लिख देंगे प्लस 4, ठीक है, तो प्लस 4। अब हम लाइक टर्म्स देखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स क्यूब है जिसका कोई पेयर नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखेंगे तो 3x का पेयर हमारे पास मौजूद है माइनस एक्स, ठीक है, ये भी हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, दोनों के वेरिएबल सेम है, तो हमने माइनस एक्स इसका पेयर हुआ और एक और हुआ हमारे पास माइनस 3x, ठीक है, तो ये हमारे पास ये तीनों लाइक टर्म्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइनस सिक्स का एक हमारे पास माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स के साथ जो इसका पेयर है वो प्लस 2 और प्लस 4 का है, ठीक है, और प्लस 2x जो है x² हमारे पास अनपेयर है, वो हमारे पास एज इट इज रहेगा, आखिर में हम लिखेंगे एक्स क्यूब को कॉपी किया हमने एक्स क्यूब, इसके बाद हम इसको एक जगह कॉपी कर देते हैं 3x और एक हमारे पास माइनस एक्स और उसके बाद माइनस 3x, ठीक है, ये हमने एक लाइक टर्म्स एक जगह कर दी, फिर माइनस 6 और प्लस 2 और प्लस 4
ये हमारे पास सिक्स हुआ तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब हम कॉपी कर देंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और माइनस फोर और प्लस फोर, ठीक है। अब हमारे पास प्लस टू एक्स स्क्वायर के साथ कोई पेयर नहीं है, तो हमने टू एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ कॉपी कर दिया है, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक्स क्यूब का तो कोई पेयर नहीं है, तो हमने एज इट इज़ पहले कॉपी किया एक्स क्यूब। अब हम ये देख रहे हैं कि प्लस थ्री और माइनस थ्री ये दोनों तो सेम नंबर्स हैं, लेकिन साइन हमारे पास अपोजिट है, तो हमारे ये कैंसिलेशन की तरफ जाता है, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हुआ, माइनस एक्स, वो माइनस एक्स। माइनस एक्स के बाद हम ये देखेंगे यहाँ पर माइनस टू, और ये देखें एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ टू एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, जिसमें बहुत से टर्म्स भी गिवन है, ठीक है ना। हमें इसमें कहा ये जा रहा है कि ये दो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इन दोनों के दरमियान में प्लस साइन है, ठीक है। तो हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या प्लस करना है, ऐड करना है, क्लियर है स्टूडेंट। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये इन एक्सप्रेशन को रिमूव, इन एक्सप्रेशन को फ्री करेंगे ब्रैकेट से, ठीक है। तो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस थ्री एज इट इज़ कॉपी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब नेक्स्ट हमारे पास, हमेशा नेक्स्ट जब हम ब्रैकेट रिमूव करने लगेंगे, तो हम पहले देखेंगे कि बाहर साइन कौन सा है, यह नंबर कौन सा है, ठीक है। तो बाहर साइन हमारे पास वो प्लस है, ठीक है। तो प्लस का साइन का मतलब ये कि हमारे पास प्लस वन है, ठीक है। तो वन प्लस वन होने की वजह से इस एक्सप्रेशन पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन एक्स ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका ब्रैकेट रिमूव होगा, बिकॉज इसके बाहर प्लस साइन था। हाँ, अगर माइनस साइन होता तो ज़रूर इसके ऊपर डिफरेंस होता कि हमारे पास अंदर मौजूद जितने भी नंबर्स के साथ साइन थे वो सारे चेंज हो जाते, ठीक है जी। तो हम अभी क्या करेंगे, एज इट इज़ कॉपी कर देंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन, हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। नाउ स्टूडेंट अब हमने करना क्या होता है कि लाइक टर्म जो होती है ना उन्हें हम देखेंगे। फाइव एक्स स्क्वायर, इसका लाइक टर्म कौन सा है, टू एक्स स्क्वायर, जिसके वेरिएबल सेम है वो लाइक टर्म्स होते हैं, ओके। अब एट एक्स, एट एक्स के साथ हमारे पास माइनस सेवन एक्स है प्लस एट एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन एक्स, और ये माइनस थ्री जो हमारे पास एक रह गया वो हमारे बेचारा अकेला है। फाइव में प्लस करने को कहा जा रहा है टू को, तो फाइव प्लस टू एक्स स्क्वायर, हम पहले लाइक टर्म्स एक जगह कर देते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थर्टीन, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, और माइनस थ्री एज इट इज कॉपी करेंगे, इसका कोई पेयर नहीं है। अब फाइव प्लस टू तो इज इक्वल टू सेवन होता है, ठीक है ना। तो सेवन और एक्स स्क्वायर हमने एक दफ़ा लिख दिया, क्लियर है। नेक्स्ट हमने देखा है कि एट एक्स माइनस सेवन, तो एट एक्स माइनस सेवन की मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर हम इसको इजी वे में मैं समझाना चाहूँ तो आपको एक दफ़ा समझा देते हैं कि एट एक्स का मतलब ये है कि ये एट टाइम एक्स है, एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स एट टाइम एक्स हमने लिख दिया। अब उसमें से सेवन एक्स माइनस करना, तो हमने क्या किया, कट करना शुरू किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर क्या है, वन। हमने किया वन एक्स में प्लस थर्टीन एक्स, यानी वन में थ्री को थर्टीन को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, फोर्टीन। हमने किया प्लस फोर्टीन एक्स माइनस थ्री, माइनस थ्री हमारे पास एज इट इज़ कॉपी होगा, उसका कोई पेयर नहीं है, क्लियर है। अब ये पता चलती है कि हमें जो इतनी बड़ी दो एक्सप्रेशन दी थी, हमने उसको सॉल्व करके उसमें जो कैंसिल हो सकते थे कैंसिल करके, जो ऐड हो सकते थे ऐड करके, हमने क्या किया, एक छोटी सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक। यस स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर टू एक्सप्रेशन गिवन है और दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन है, ठीक है क्लास। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि सिक्सटीन एक्स प्लस फोर्टीन को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, ठीक है। ये इसके पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन में के बाहर हमारे पास माइनस साइन है, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ अगर हम वन को एज्यूम करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वन तो हमारे पास किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज़ नंबर दे देता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास माइनस साइन मैटर करता है, किसी भी एक्सप्रेशन के बाहर, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ जो साइन होंगे वो हमारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस एक्स है तो हमारे पास माइनस एक्स हो जाएगा,
ठीक है, और माइनस नाइन है तो हमारे पास प्लस नाइन हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है जी। अच्छा अब नेक्स्ट हमने करने क्या है, अब हम इसके अंदर लाइक टर्म्स देखेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर के साथ कोई पेयर नहीं है तो हम एज इट इज थ्री एक्स स्क्वायर उतारेंगे, लेकिन हमारे पास नंबर के साथ साइन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ नंबर थ्री एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हमने कॉपी किया, इसके साथ कोई इसका पेयर नहीं था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सिक्सटीन एक्स के साथ पेयर बनता है हमारा माइनस एक्स का। ठीक है, तो सिक्सटीन एक्स का मतलब सिक्सटीन एक्स में से माइनस एक्स करने को कहा जा रहा है, तो मतलब ये कि सिक्सटीन एक्स माइनस वन तो क्या है हमारे पास फिफ्टीन एक्स। साइन हमारे पास बड़े नंबर की होती है, ठीक है ना, तो हमारे बिगर नंबर की साइन हमारा प्लस है, तो प्लस फिफ्टीन एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास फोर्टीन के साथ पेयर बनता है प्लस नाइन का। ठीक है, तो फोर्टीन प्लस नाइन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री। क्लियर है? तो हमारे पास प्लस साइन के साथ ट्वेंटी थ्री कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस ट्वेंटी थ्री। यस स्टूडेंट, जो अब हमें क्वेश्चन दिया है इसमें यहाँ पर हमें माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन में से हमें एक्सप्रेशन सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो लेट्स राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म। हम ये करेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, फॉर्म के बाद जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है वो पहले लिखेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस का साइन लगाकर हमारे पर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दी हुई थी उसको हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसको फर्दर सॉल्व करने लगेंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन हमारे पास एज इट इज कॉपी होगा, क्योंकि इससे पहले तो कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई हो रहा, जो हमारे पास नंबर हो रहा है वो मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारे पास सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन एज इट इज कॉपी किया। ठीक है ना, अब हमारे पास माइनस साइन इस ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करेंगे माइनस साइन की वजह से हमारे पास जितने भी अंदर नंबर्स थे उन सब को हम क्या करेंगे, उसे कॉपी तो एज इट इज करेंगे लेकिन उसके साइन सारे हमारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस टू था तो हमारे पास प्लस टू हो गया, माइनस प्लस फोर है तो माइनस फोर हो गया, माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा। क्लियर होती है यहाँ पर बात? ठीक है, अब स्टूडेंट अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स एक जगह करना है। तो प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर ये हमारे पास लाइक टर्म है, थ्री एक्स और माइनस फोर एक्स ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, और माइनस नाइन एंड प्लस वन ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है एट एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्लस थ्री एक्स और माइनस फोर एक्स। ठीक है, तो हमें कहा जा रहा है कि थ्री में से फोर को माइनस कर दें तो हमारे पास बड़े नंबर की साइन लगेगी। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ हमारे पास एक्स आएगा, क्योंकि फोर में से थ्री माइनस किया तो वन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है माइनस नाइन और प्लस वन, तो हमारे पास माइनस एट आएगा, बड़े नंबर की साइन लगेगी। यस नाउ स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन हमारे पास थ्री एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, इन थ्री एक्सप्रेशन में हमें ये नोट करना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन के बाहर ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है। ठीक है, अगर हमारे पास माइनस साइन है तो हमारे हर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज कॉपी होगी तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स, ये एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि माइनस साइन हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन के बाहर है, मीन्स कि हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन के बाहर अगर माइनस साइन मौजूद है तो एक्सप्रेशन में मौजूद जितने भी नंबर्स हैं उनके सारे साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास माइनस टू एक्स स्क्वायर था तो वो हमारे पास प्लस टू एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स है तो हमारे पास माइनस एक्स में कन्वर्ट होगा, और माइनस टू है तो प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे अब हम पहुंचेंगे, तो उसमें क्या है थ्री एक्स माइनस फोर, और लेकिन उसके ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन मौजूद है, तो माइनस साइन की वजह से इसके अंदर मौजूद जितने भी नंबर्स हैं उनके साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस थ्री एक्स और माइनस फोर की जगह हम लिख देंगे प्लस फोर। ठीक है, तो प्लस फोर। अब हम लाइक टर्म्स देखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स क्यूब है जिसका कोई पेयर नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखेंगे तो थ्री एक्स का पेयर हमारे पास मौजूद है माइनस एक्स। ठीक है, ये भी हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, दोनों के वेरिएबल सेम है, तो हमने माइनस एक्स इसका पेयर हुआ, और एक और हुआ हमारे पास माइनस थ्री एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तीनों लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे माइनस सिक्स।
माइनस एक्स का एक हमारे पास माइनस एक्स है, माइनस एक्स के साथ जो इसका पेयर है वो प्लस टू और प्लस फोर का है, ठीक है। और प्लस टू एक्स जो है एक्स स्क्वायर हमारे पास अनपेयर है, वो हमारे पास एज इट इज रहेगा, आखिर में हम लिखेंगे। एक्स क्यूब को कॉपी किया हमने एक्स क्यूब, इसके बाद हम इसको एक जगह कॉपी कर देते हैं थ्री एक्स, और एक हमारे पास माइनस एक्स और उसके बाद माइनस थ्री एक्स, ठीक है। ये हमने एक लाइक टर्म्स एक जगह कर दी, फिर माइनस एक्स और प्लस टू और प्लस फोर, ये हमारे पास सिक्स हुआ तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब हम कॉपी कर देंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और माइनस फोर और प्लस फोर, ठीक है। अब हमारे पास प्लस टू एक्स स्क्वायर के साथ कोई पेयर नहीं है, तो हमने टू एक्स स्क्वायर को एज इट इज कॉपी कर दिया है, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक्स क्यूब का तो कोई पेयर नहीं है, तो हमने एज इट इज पहले कॉपी किया एक्स क्यूब। अब हम ये देख रहे हैं कि प्लस थ्री और माइनस थ्री ये दोनों तो सेम नंबर्स है, लेकिन साइन हमारे पास अपोजिट है, तो हमारे ये कैंसिलेशन की तरफ जाता है, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हुआ, माइनस एक्स, वो माइनस एक्स। माइनस एक्स के बाद हम ये देखेंगे यहाँ पर माइनस टू, और ये देखें एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये यस नाउ स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जिसमें हमारे पास थ्री एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। अब हमें इसका एड इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी एडिशन करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम तीनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे, फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू, ठीक है। ये एक हो गई। सेकेंड हमारे पास एक और एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो ये है कि टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस थ्री, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ जो हमने ब्रैकेट के बीच में हमने कौन सा साइन करना है, प्लस का, ठीक है। थर्ड हमारे पास ये एक्सप्रेशन हम लिखने जा रहे हैं, तो हम पहले प्लस साइन लगा देते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन हम लिखेंगे माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस वन, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे क्या करना है, हमने ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारे पास एज इट इज ओपन हो जाता है, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम ओपन करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें पहले नोट करना है कि बाहर जो साइन है वो माइनस है या प्लस है। अगर प्लस है तो हमारे पास अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, और अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस होता तो हमारी यहाँ पर जितने भी नंबर्स थे उनके साथ जो जो साइन थी वो सब हमारी चेंज हो जाती। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अभी हमारे पास प्लस साइन है, तो हमारा एज इट इज़ सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रैकेट ओपन होगा, कोई साइन में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। प्लस टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस थ्री, ठीक है। अब हम नेक्स्ट को ओपन करने जा रहे हैं, ये जो हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है इसको हम ओपन करने जा रहे हैं, तो उसके ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास प्लस साइन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस सिक्स था तो माइनस सिक्स ही रहा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस वन, कोई साइन हमारा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने करने क्या है, लाइक टर्म्स हम एक जगह कर लेते हैं। लाइक टर्म्स हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर है, इसमें आप देखें फोर एक्स स्क्वायर की कोई ये नहीं, ठीक है। तो हमारे पास है प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा कोई एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये नहीं, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। हमेशा नंबर के साथ साइन को उठाएंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमारे पास थ्री वाई स्क्वायर, तो हम वाई स्क्वायर की जितनी भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उन सबको हम उठा लेंगे, ठीक है। तो प्लस थ्री वाई स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास ये रहा माइनस वाई स्क्वायर, देन माइनस टू वाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं। अब हम एक्स की टर्म का चेक करेंगे, तो माइनस सिक्स एक्स, अब इसमें सिक्स ये रहा प्लस टू एक्स, इसके बाद एक्स का हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास बारी आई है उसकी फोर वाई की, ठीक है। तो हमने किया प्लस फोर वाई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वाई का टर्म ये रहा माइनस फोर वाई, और हमारे पास वाई का कोई यहाँ पर नहीं है, ठीक है, हो गया।
अब 4y के बाद हमारे पास कांस्टेंट नंबर की एक टर्न है, ठीक है, माइनस टू, और कोई कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, प्लस थ्री, और यहाँ पर हमारे पास माइनस वन। क्लियर हो रही है यहाँ पर? ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ये तीनों टर्म्स एक सी हैं तो ये सॉल्व होंगी, ठीक है। फोर और थ्री कितनी हुए, फोर थ्री सेवन, ठीक है। सेवन में से सिक्स को माइनस कर देंगे तो क्या हुआ, एक्स बचा, ठीक है, वन बचा, तो हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर थ्री में से वन को माइनस करने को कहा जा रहा था, थ्री में से वन माइनस किया तो टू, ठीक है, टू हो गया। अब टू में से टू माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। देखिए थ्री में से वन माइनस किया तो ये प्लस टू वाई स्क्वायर बना, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स एक्स प्लस टू एक्स, इन दोनों को चेक करेंगे, माइनस सिक्स और टू एक्स, सिक्स में से टू को माइनस करेंगे तो क्या आया हमारे पास, फोर, ठीक। साइन कौन सी लगेगी, बिगर नंबर की, ठीक है, तो माइनस साइन, और हमारे पास वेरिएबल एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू टर्न आई है इसकी 4y की, तो ये प्लस 4y माइनस 4y से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, माइनस टू और प्लस थ्री, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है, वन आएगा। और साइन बड़े नंबर की होगी यानी कि प्लस की, तो ये प्लस वन और माइनस वन ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं होगा। तो अब आप ये देखें कि इतना हमारे पास कितना बड़ा एक्सप्रेशन था ना, थ्री इतनी, एक एक्सप्रेशन इतनी बड़ी थी, दूसरी इतनी बड़ी थी, और थर्ड इतनी बड़ी थी, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद ये कितना छोटा सा, एक छोटी सी एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। यस स्टूडेंट, अब ये देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास दो एक्सप्रेशन मौजूद हैं, ठीक है, और इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में हमारे पास फॉर्म का वर्ड मौजूद है, ठीक है। जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में फॉर्म आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, वो माइनस का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसे सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है कि फॉर्म के बाद जो एक्सप्रेशन होते हैं वो उसे हम पहले कॉपी करते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होती है वो हमें बाद में लिखनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 5ab³ प्लस 6b⁴ माइनस a⁴ प्लस 7ab³ माइनस 8a²b² प्लस 7, ठीक है। इसे मैंने कॉपी किया, इसे मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्म का साइन था, फॉर्म का वर्ड था, इस वजह से हमने माइनस साइन लगाया। उसके बाद हमने नेक्स्ट एक्सप्रेशन कॉपी करेंगे तो वो ये है, तो हमने ब्रैकेट में लिखना है इसको, a⁴ माइनस 7ab³ प्लस 6a²b² प्लस 5ab³ प्लस 6b⁴, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। इसको मज़ीद सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, हम इसको एज इट इज ओपन कर देंगे। 5ab³ प्लस 6b⁴ माइनस a⁴ प्लस 7ab³ माइनस 8a²b² प्लस 7, ठीक है। ये मैंने एज इट इज कॉपी किया। अब ये जो माइनस साइन है ना, इसकी वजह से इस एक्सप्रेशन पे क्या फ़र्क आएगा कि इस ब्रैकेट के अंदर पूरी एक्सप्रेशन में जितनी भी नंबर्स हैं उनके साथ जो साइन है उन सबको वो चेंज कर देगा, ठीक है ना, ये माइनस साइन होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन कोई नहीं है तो प्लस है, तो ये हमारे पास माइनस a⁴ हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो ये प्लस 7ab³ हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस 6a²b² हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस 5ab³ हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस 6b⁴ हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हमने करना क्या है, अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स एक जगह करनी है, ठीक है। तो 5ab³, तो ये हमारे पास मैंने पहले लिख देना 5ab³, मैं पहले लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे ab³ की कोई टर्म मौजूद है, ab³ ये रहा, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया, तो माइनस 5ab
क्यूब, ठीक है। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 6b रेज़ टू द पावर 4 है, तो पहले मैं इसको कॉपी करती हूँ, 6b रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब बी रेज़ टू पावर 4 की कोई टर्म है हमारे पास, ठीक है, तो वो ये रही, ठीक है। तो हमने लिख दिया -6b रेज़ टू द पावर 4, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास a रेज़ टू द पावर 4 है, ठीक। तो मैं पहले इसको कॉपी कर देती हूँ a रेज़ टू द पावर 4 माइनस साइन के साथ। अब मैं ये चेक करती हूँ क्या है हमारे पास a रेज़ टू द पावर 4 की कोई टर्म है, हमारे पास ये रही, ठीक है। तो हमने साइन के साथ a रेज़ टू द पावर 4 कॉपी कर ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया। अब हम ये चेक करेंगे 7a³b, तो पहले मैं इसको लिख रही हूँ +7a³b, ठीक है। अब a³b की कोई टर्म मौजूद है यहाँ पर, a³b ये रही, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया तो ये हमारे पास आया +7a³b, ठीक है। अब हमारे पास 8a² b² 8a² b² तो मैं पहले कॉपी करती हूँ इसको, 8a² b² अब a² b² की कोई टर्म है हमारे पास, ये रही, ठीक है। तो ये हमारे पास -6a² b² है, ठीक है। और कोई बची? अब हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर बचा है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट नंबर बचा है तो हमने आखिर में लिख लिया क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, अब हमारे पास कोई नंबर्स नहीं बचा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नंबर सेम है लेकिन हमारे पास साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने ये कैंसिल कर दिया, ये +6b रेज़ टू द पावर 4 और -6b रेज़ टू द पावर 4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास -a रेज़ टू द पावर 4 और -a रेज़ टू द पावर 4 ये कैंसिल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इनके सेम साइन है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये -2, ये कितने हैं, -a रेज़ टू द पावर 4 और -a रेज़ टू द पावर कितने हैं, ये 2 हैं, ठीक है। तो -2a रेज़ टू द पावर 4 ये हमारे पास नंबर्स इसके यहाँ से 1 और यहाँ से 1 ये प्लस हो जाएंगे, तो 1 और 1 2, और साइन हमारे पास बड़े की लगेगी यानी कि हमारे पास माइनस की लग गई और रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, इन दोनों को कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन के साथ ये भी नंबर है और प्लस साइन के साथ ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लस साइन के साथ 14a रेज़ टू द पावर 4b, ठीक है। उसके बाद अब इसकी बारी आई है, ठीक है। तो 8 और 6 इन दोनों के साइन सेम है, जब साइन सेम होते हैं तो करते क्या है, प्लस, ठीक है। तो ये 8 और 6 कितने होते हैं, 14, ठीक है। तो ये हमारे पास 14 आया, साइन कौन सी लगेगी, बड़े नंबर की, ठीक है। तो हमने लगा दी माइनस और हमारा वेरिएबल वही है a² b², ठीक है। और हमारे पास +7 एम्पियर है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। Now student, we are moving toward our copy work. First and most important, you must have to maintain your index. Then make a colorful title page of this chapter and then do the given work from the video. Thank you.